हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक जड़िया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो गाइज़, ये जो आप मेरे हाथ में पंपलेट देख रहे हैं, ये 18x1.4 के साइज़ में पंपलेट बनी हुई है। तो इसको हम दो कलर में प्रिंट करेंगे 10-15 ऑफसेट मशीन से। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ही मेरा वीडियो बनाना सफल होगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आप कुछ करना नहीं है, आपको जो भी पंपलेट है आपकी, जो डबल कलर में आपको प्रिंट करना है, उसको आप अपने मास्टर पेपर पे जो है अपने प्रिंटर से आप उसको डबल कलर में काट के निकाल लेंगे। यानी कि जो आपको ब्लू कलर से प्रिंट करना है उसको आप अलग निकाल लेंगे, और जो आपको रेड कलर से प्रिंट करना है उसको आप अलग निकाल लेंगे, दो पार्ट में निकाल लेंगे। तो आगे पीछे भी मास्टर आप निकाल सकते हैं, अलग पलट के आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मास्टर पहले निकालेंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस वही है, ऑफसेट मशीन पर आप उसको मास्टर को अपने सेट करेंगे इस तरह से। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी देख सकें। तो गाइज़, यहाँ पे आप जो है ये मास्टर, ये देखिए यहाँ पे इसका जो हम रेड कलर से प्रिंट करेंगे वो भी हमने इसके पीछे निकाल लिया है, और इसको हम पहले ब्लू कलर से प्रिंट करने जा रहे हैं। तो इसको पहले साफ वाफ कर लें थोड़ा बहुत हम लोग इसको लगा के। और मास्टर कैसे सेट होता है, कैसे क्या होता है ऑफसेट मशीन पर, ये मैंने पहले की वीडियो में बताया है आप लोगों को कई बार, तो वो लोग आप जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम पहले प्रिंट देते हैं कि कैसा आता है, सही आता है कि नहीं आता है, उसके बाद जो है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हम ब्लू कलर से इसको प्रिंट कर रहे हैं, ये सही आ गया है, एकदम सेंटर में है, और इसको हम ब्लू कलर से प्रिंट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर से ये प्रिंट हो गया। अब गाइज़, ये जो आप बीच बीच में जो खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हमको रेड कलर से प्रिंट करना है, जैसे कि जो हेडिंग है और जो चीज़ें इसमें हमने छोड़ी हैं वो रेड कलर से प्रिंट करेंगे, तो ये डबल कलर में प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रेड कलर गिराना है अपना, जो भी मैटर यहाँ पे है नीचे, जो भी मोबाइल नंबर है जो भी है। तो अब हमें करना क्या है, अब हम जो है जो रेड कलर वाला पोर्शन है उसको हम जो है ऑफसेट मशीन पर पलट के लगा लेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से सेट करके लगा लेंगे। उसके बाद जो है इसको जो है हम इसको भी साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से, और साफ़ करने के बाद जो है अब हमने हमारा जो ये ब्लू कलर वाला पंपलेट है इसको जो हमने प्रिंट किया है अब उसको हम चलाएंगे, और पहले देखेंगे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से जो है हमको इस तरह से प्रिंट करना था, जो हमने जगह छोड़ी थी उसके हिसाब से। अब ये जब बार बार चलाएंगे तो इसकी प्रिंट क्वालिटी सही हो जाएगी। अभी थोड़ा सा सेटिंग सही है नहीं, इसको सेटिंग सही करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से प्रिंट करेंगे और सही आ जाएगा, तो उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर ये इंक थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और उसको दोबारा प्रिंट करेंगे। ये देखिए अब ये परफेक्ट आ गया, सेंटर में भी आ गया। अगर डार्क करनी है तो आप इंक बढ़ा सकते हैं थोड़ी इस तरह से, उसके बाद जो है आप अपना डबल कलर में प्रिंट करें। तो गाइज़, ये प्रकाश ऑफसेट 10-15 साइज़ की मशीन है, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया, डेली में मिल जाएगी और ये लगभग 3 लाख के अंदर ही आपको मशीन मिलेगी। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसके डीलर भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से डबल कलर आप पंपलेट ऑफसेट मशीन से प्रिंट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। ये देखिए आराम से ये प्रिंट हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा डार्क चलाना है तो थोड़ा स्लो चलाएँ, इस तरह से आपकी पंपलेट प्रिंट हो जाएगी। तो गाइज, एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ही मेरा वीडियो बनाना सफल होगा दोस्तों। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी देख सकें। तो गाइज़, ये देखिए कितनी आराम से, कितना बढ़िया ये प्रिंट हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ऑफसेट मशीन से डबल कलर कैसे प्रिंट करते हैं ये आप लोगों ने देख ही लिया है। ओके दोस्तों, चलता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, ओके बाय।